हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत करते हैं इलेक्ट्रिकल आई में। इलेक्ट्रिकल आई में जैसा कि महामैराथन चल रहा है, तो महामैराथन में आप सबका स्वागत है। पावर ग्रिड 2023 महामैराथन एग्ज़ाम तक में आपका स्वागत करते हैं, जो कि आपकी बार अंतिम प्रहार के साथ हम लोग चल रहे हैं। इस बार ले लेना है, किसी भी तरह का संपर्क करना होगा तो यहाँ पर जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, अभी जो लेकर के आ गए हैं, जो कि महामैराथन में हो जाता है वी के मेहता का सॉल्यूशन, जो कहते हैं वीके मेहता का सॉल्यूशन का, जो मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को लेकर आ गए हैं। देखिए यहाँ पे मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को लेकर आ गए हैं। यहाँ पे देखिएगा, जो कि मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म को लेकर के आ चुके हैं। तो इसका चलिए शुरू करते हैं आज का सॉल्यूशन। पहले थ्योरी देखेंगे, उसके बाद जो न्यूमेरिकल इसका है उसको देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। देखिएगा, जो पहले यहाँ पे दिया गया है बहुत सारा कुछ, उसको देख लेते हैं कि क्या क्या दिया गया है। ऊपर में जो पढ़े हैं उसको लिखा हुआ है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ जो दिया गया है फर्स्ट में है, जो कि नॉर्थ में नेचुरल मैग्नेट दिया गया है। यहाँ पे बार मैग्नेट दिया गया है। यहाँ पे यू शेप जो होता है मैग्नेट उसको दिखाया गया है। हॉर्स शेप एक मैग्नेट होता है उसको दिखाया गया है। यहाँ पे मैग्नेट नीडल दिया गया है। यहाँ बॉल मैग्नेट इस तरह का होता है, क्रॉस नीडल इस तरह का होता है। तो कभी कभी फिगर दे करके पूछ लेता है, तो इतना सारा मैग्नेट होता है। तो चलिए यहाँ पे देखिएगा, मैग्नेट में दिया गया है, मैग्नेट जो होता है अर्थ का यहाँ फिगर बनाया गया है कि अर्थ में एक होता है मैग्नेटिक, यहाँ पे देखिएगा मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक साउथ पोल होता है। यहाँ पे एक वो ज्योमेट्रिकल नॉर्थ पोल और एक ज्योमेट्रिकल साउथ पोल होता है। तो देखिएगा, जो ज्योमेट्रिकल है नॉर्थ पोल, वो जो नॉर्मल जो होता है हम लोग लेकर के चलते हैं जो मैप में, वो होता है ज्योमेट्रिकल। और मैग्नेटिकल थोड़ा सा 17 डिग्री का डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसी तरह का फिगर बनाया हुआ है। आगे इसमें और कुछ उतना नहीं पढ़ना है, तो आगे चलते हैं। तो इसके आगे भी कुछ है तो नहीं है, आगे चलते हैं अगला पेज में जो दिया गया होगा। दूसरा पेज में क्या दिया है उसको देख लेते हैं। थ्योरी को शॉर्ट में देखते हुए चलेंगे और न्यूमेरिकल को आगे देखेंगे, और ज़्यादा फोकस करेंगे न्यूमेरिकल पे, जो कि थ्योरी को और ज़्यादा क्लियर करता है। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है एक टाइप ऑफ आर्टिफिशियल मैग्नेट। आर्टिफिशियल मैग्नेट का भी टाइप होता है, जो कि एक परमानेंट मैग्नेट होता है, एक टेम्परेरी मैग्नेट होता है। यहाँ पे परमानेंट मैग्नेट किस चीज़ से बना हुआ होता है, देखिएगा हार्डनेस स्टील का बना होता है, सर्टेन मैग्नेटिक लॉय होता है जो कि क्वाल्ट स्टील और टंगस्टन का बना हुआ होता है। यहाँ पर देखिएगा मैग्नेटिक ओवर एग्जिट है। परमानेंट मैग्नेट एक्सट्रीमली यूज इन द इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में किसका यूज़ किया जाता है, तो परमानेंट ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। देखिए जैसे एग्जांपल में दिया गया कौन कौन होता है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट ईयरफोन हो गया, मूविंग कॉइल में जो यूज करते हैं हम लोग, मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट उसमें बोल रहा है। और यहाँ पे लाउड स्पीकर में होता है। तो इस तरह से सबको दिया गया है। टेम्परेरी मैग्नेट होता है, टेम्परेरी मैग्नेट कहाँ यूज़ करते हैं, तो ये बना होता है सॉफ्ट आयरन या आयरन से बना होता है। तो यहाँ पे देखिएगा ये मैग्नेटिक फोर्स अप्लाइड किया जाता है, मैग्नेटिक फोर्स रिमूव दे विल बी लूज कर जाता है जब भी उसमें मैग्नेट, जैसे कि यहाँ पर देखिएगा सॉफ्ट आयरन का लिया जाता है। इस पर जब कॉइल को इस तरह से सॉफ्ट आयरन को लिया जाता है, यहाँ पे क्वाइलिंग किया जाता है इसको, इस तरह से सप्लाई करते हैं डीसी, तो ये मैग्नेट जो होता है इस तरह से बन जाता है, ऐसे इस तरह से जनरेट हो जाता है। यहाँ नॉर्थ पोल हो जाता है, साउथ पोल होता है। अगर करंट कहाँ से जा रहा है, जो कि करंट इधर से जा रहा है, मतलब करंट का डायरेक्शन किधर है, तो इधर की तरफ है।
मैग्नेटिक नॉर्थ पोल यहाँ से जनरेट होगा। तो इसी तरह से होता है, सॉफ्ट आयरन बनाया जाता है, जो कि सॉफ्ट आयरन कहाँ यूज किया जाता है उसको देखते हैं कि टेम्परेरी मैग्नेटिक में यूज किया जाता है। डिवाइस स्टील पार्ट जानते हैं, आगे चलते हैं इसका अगला पोल, पोल ऑफ द मैग्नेटिक, मैग्नेट का पोल क्या क्या होता है वो देखते हैं। तो इसमें देखिए, यहाँ पोल को लेकर चलते हैं, तीसरा नंबर का पोल रहा है कि पोल ऑफ द मैग्नेट, मैग्नेट का पोल क्या क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए, अगर तीन चार पॉइंट दिया गया उसको पढ़ते हैं। द पोल ऑफ मैग्नेट कैन नॉट बी सेपरेटेड, कान बी सेपरेटेड विद द बार मैग्नेट ब्रेकन इन टू टू पार्ट, देन ईच पार्ट द कम्प्लीट द मैग्नेटिक पोल, अलग अलग पोल बना लेते हैं। नो मैटर हाउ मैनी टाइम्स ऑफ मैग्नेट ब्रोकन, देयर पीस विल बी नॉर्थ पोल और साउथ पोल। जब भी मैग्नेट टूटता है, जितना नंबर ऑफ टर्न में टूटेगा तो उतना नॉर्थ साउथ में बदल जाता है, जितना होता है उतना नॉर्थ साउथ में बदल जाता है। तो ये बोला था, द टू पोल ऑफ द मैग्नेट इज इक्वल स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ क्या होता है इसका, तो इक्वल होता है जिसको एच से सूचित किया जाता है। स्ट्रेंथ रिप्रेजेंटेड ए क्या दिया गया है, एम से रिप्रेजेंट किया गया है। इसमें लाइक पोल होता है जो कि ईच अदर, लाइक पोल रिपेल ईच अदर, जो लाइक पोल होते हैं, नॉर्थ नॉर्थ रहेगा तो रिपेल करेगा और नॉर्थ साउथ रहेगा तो अट्रैक्ट करेगा, इस तरह से ये बताया गया है। द डिस्टेंस बिटवीन टू पोल होता है मैग्नेटिक, कॉल्ड द मैग्नेटिक लेंथ बोलते हैं, जिसको 12 से सूचित किया जाता है। ये जो टोटल लेंथ होता है इसमें, ये 12 का लेके चलते हैं। इट्स स्लाइटली लेस देन द ज्योमेट्रिकल लेंथ ऑफ द मैग्नेट, ज्योमेट्रिकल लेंथ से स्लाइटली थोड़ा सा कम होता है लेंथ इसका, मैग्नेटिक लेंथ का। आगे चलते हैं कि इसमें क्या बोल रहा है। चौथा पॉइंट में कह रहा है कि लॉ ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स का लॉ क्या है उसको देखते हैं। चार्ज लॉ एक नियम दिए थे उसको देखते हैं। द बोल रहा है, फ्रेंच साइंटिस्ट थे, ऑब्जर्व द टू आइसोलेटेड पोल्स आर पैलेस नियर द ईच अदर, एक दूसरे के नज़दीक लाते हैं, तो एक्सप्रेस ए फोर्स। ही परफॉर्म ए नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट टू स्टडी द नेचर ऑफ द मैग्नेट ऑफ द फोर्स बिटवीन द मैग्नेटिक पोल। ही समेट अप द कैलकुलेशन इन टू टू लॉ ऑफ, टू लॉ दिए जिसको कुलाम्स लॉ कहते हैं, कुलाम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं इसको, कुलाम्स लॉ का मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। तो पहला लॉ क्या किया है कि लाइक पोल रिपेल ईच अदर, लाइक पोल ईच अदर वेल अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। देखिए यहाँ पे जैसे कि लाइक पोल होगा, नॉर्थ पोल होगा, नॉर्थ पोल होगा तो क्या करेगा कि ये रिपेल करेगा, मतलब कि दूसरे से दूर भागेगा इस तरह से। और जैसे ही यहाँ पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल लेंगे तो ये क्या होगा, एक दूसरों को अट्रैक्ट करेगा ना। यहाँ नॉर्थ पोल है और यहाँ साउथ पोल है, तो ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और इसको ये अट्रैक्ट करेगा, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो ये पहला रूल यही है। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं कि पॉइंट नंबर आगे देखते हैं चौथा का। तो अगला पेज को लाते हैं, अगला पेज में क्या लिखा हुआ है, दूसरा पेज तीसरा पेज ले आते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि क्या बोल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में बता रहा है। यहाँ पे एच बराबर 1/4 π μ0 m/d होता है, न्यूटन पर वेबर होता है। यहाँ पे देखिए दूसरा जो लिखा गया, द फोर्स बिटवीन द पोल, बिटवीन द टू मैग्नेटिक पोल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर, डिस्टेंस के क्या होता है। पहला तो है, दूसरा कह रहा है कि दोनों पोल का मल्टीपल और डिवाइड कर देते हैं डिस्टेंस से, तो ये फोर्स जो होता है, ये फोर्स लगता है दूसरे दो को मैग्नेट के बीच में। दो मैग्नेट अगर लेते हैं, इसके बीच में जो फोर्स लगता है, तो M1 मैग्नेट, दूसरा M2 है जो स्ट्रेंथ है। एम जो है देखिएगा, तो फोर्स बिटवीन द मैग्नेटिक पोल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द पोल स्ट्रेंथ, यानी पोल स्ट्रेंथ की क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। M1
एम टू अपॉन डी स्क्वायर यही होता है, और डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये दूसरा लॉ यही था। क्वेश्चन नंबर आगे थी, पांचवा पॉइंट में चलते हैं मैग्नेटिज्म में। तो कह रहा है कि पांचवा पॉइंट में कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ना है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, यहाँ थर्म रूल में ऐसे पढ़ाया जाता है कि थर्म रूल क्या होता है इस तरह से। तो यहाँ से देखिए, करंट का डायरेक्शन अंदर की ओर है, तो यहाँ थंब रूल होता है कि जैसे ही जो पॉजिटिव है और इधर से क्रॉस है, इधर क्रॉस है और इधर डॉट 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 दिया गया, तो मतलब करंट, जब करंट इधर से जाएगा और इधर से निकलेगा तो यहाँ से नॉर्थ पोल जनरेट होगा और यहाँ साउथ पोल जनरेट होगा, इसी तरह से। तो यही दिखाया गया था यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड। देखिए थ्योरी में क्या लिखा है, जस्ट एज ए इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्टिंग नियर द चार्ज ऑब्जेक्टिव, सिमिलर मैग्नेटिक फील्ड एग्जर्ट अराउंड द मैग्नेट, मैग्नेट के आसपास जो फील्ड जनरेट कर। इफ द आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल्स इज ब्रॉट टू नियर द मैग्नेट एक्सप्रेस ए फोर्स, फोर्स करता है। जैसे कि इतना मैग्नेटिज्म यहाँ जनरेट हो रहा है, तो इसके आसपास में कोई भी मैग्नेट को लाएंगे जो कि यहाँ कंपास में दिखाया गया, तो वो क्या करेगा, रिपेल करेगा इस, मतलब कि थोड़ा सा रिएक्शन करेगा उससे। इफ द आइसोलेटेड ब्रॉट टू द नियर द एक्सप्रेस ए फोर्स अकॉर्डिंग टू द कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ के अनुसार जो अभी बताएं कि M1 M2 डी स्क्वायर का फोर्स एक्सप्रेस करता है। तो यहाँ पे रीजन दिया गया है, फोर्स मैग्नेटिक पोल्स कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड, वही जिसमें फील्ड में जो कि एक्सप्रेस करता है, तो वो एक फोर्स करता है, तो उसी को कहते हैं क्या, तो मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं उसी में। तो मैग्नेटिक उसी को कहते हैं जिस जिस एरिया में जो है मैग्नेटिक का एक्सप्रेस करते हैं, फोर्स एक्सप्रेशन हो, फोर्स एक एक्सपर्स करे, तो उसको कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो फील्ड यही है, द स्पेस फील्ड विच द मैग्नेटिक पोल से एक्सप्रेस द कॉल्ड द मैग्नेटिक फील्ड होता है। मैग्नेटिक फील्ड यही है, नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है, वन वेबर किसको कहते हैं वो भी बता रहे हैं कि 10 के पावर 8 होता है लाइन ऑफ फोर्स को वन वेबर कहते हैं, जो फ्लक्स होता है। आगे होगा इसमें, देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिखा गया है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है इंपॉर्टेंट, द मैग्नेटिक लाइन्स फोर्स बिटवीन द फॉलो द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को कहता है, दे आर लाइक अ स्टिच रबर बैंड विच टू बी शॉर्ट पॉसिबल। क्या कह रहा है, दे आर लाइक स्टिच रबर, क्या है ये, रबर की तरह ही होता है, विच टेंस टू बी एज शॉर्ट एज पॉसिबल, क्या कि सबसे शॉर्ट पाथ को मतलब गेन करता है, रबर की तरह होता है जो कि सबसे शॉर्ट पाथ होता है। जैसे कि कोई रबर है इसको ऐसे स्टिच करते हैं तो ये शॉर्टेस्ट पाथ करता है, लेकिन अब इसको थोड़ा सा इधर करते हैं तो ये अपना एडजस्ट होकर के ऐसे जाता है, तो ये इस तरह का होता है, रबर की तरह ही होता है मैग्नेटिक फील्ड और लाइन्स होता है। तो दे आर रिपेल इच अदर, एक दूसरे को रिपेल करता है, मतलब एक दूसरे को कभी टच नहीं करता है, क्या ये एक दूसरे से टच नहीं करता, रिपेल करता है। तीसरा, दे आर नेवर क्रॉस इच अदर, अच्छा क्रॉस नहीं करता है और रिपेल इच अदर, एक दूसरे से दूर रहता है, सेम रहता है इसलिए दूर रहता है। तो छठा नंबर पॉइंट में कह रहा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करेंट, जो कि इलेक्ट्रिक करंट का जो मैग्नेटिक पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो उसको बारे में पढ़ना है। तो कह रहा है कि थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसमें क्या कह रहा है, व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू द कंडक्टिंग मटेरियल, कंडक्टर मैग्नेट फील्ड इज सेटअप, जब भी कोई भी इलेक्ट्रिक कंडक्टर में करंट को फॉलो करवाते हैं तो क्या होता है, करंट फॉलो करवा रहे हैं तो यहाँ से क्या होता है, एक फ्लक्स जनरेट होने लगता है, इस तरह से फ्लक्स जनरेट होता है, तो इसी को कहते हैं अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर के आस पास पास में क्या होता है कि एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने लगता है। फिर कह रहा है कि 7.5 जो फिगर दिया गया है 7.5 में, फील्ड प्रोड्यूस करंट स्ट्रेंथ वायर, आगे देखिए क्या कह रहा है, द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स आर इन द फॉर्म ऑफ द कंसेंट्रेशन सर्कुलर, सर्कुलर पाथ होता है कंडक्टर, द डायरेक्ट डायरेक्शन ऑफ लाइन डिपेंड अपन द डायरेक्शन ऑफ करेंट, जो डायरेक्शन ऑफ लाइन जो होता है उसका डायरेक्शन ऑफ करेंट पर डिपेंड करता है, मे बी
राइट हैंड रूल पर, राइट हैंड रूल पर डिपेंड करता है, एक रूल दिया गया है। होल्ड द कंडक्टर राइट हैंड रूल, दे आर, तो यहाँ पे राइट हैंड रूल जो थ्योरम दिया गया है वो उसका यूज करके निकालते हैं डायरेक्शन ऑफ लाइन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन लाइन ऑफ मैग्नेटिक लाइन को निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, जब क्रॉस करता है तो इस तरह से, क्रॉस करता है तो इस तरह से, तो क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या इफेक्ट होता है, यहाँ पे जो बताया गया उसको देखते हैं। जैसे कि यह पॉजिटिव है, यह भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, और इस तरह से दोनों का है, तो लाइन ऑफ फोर्स जो निकालेंगे, दूसरा लाइन है, ये भी दूसरा लाइन है, तो जो डायरेक्शन होगा करंट का, इस तरह से अगर डायरेक्शन है, ये भी इस डायरेक्शन है, तो जो तीसरा जो आएगा, जो लाइन ऑफ फोर्स मैच करेगा, तो यहाँ से ऐसे जुड़ जाता है, ये इस तरह से जुड़ जाता है, मतलब कि सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होता है, जुड़ जाता है, मैग्नेटिज्म लाइन ऑफ फोर्स जो होता है बढ़ जाता है, एरिया बढ़ जाता है टोटल, यहाँ पे यही देख रहा था। तो वेन करंट फॉलोइंग द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन फॉलो कर जाता है, फोर्स अट्रैक्शन हो जाता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाता है, लेकिन अगर सेम रहता है मैग्नेटिज्म तो दोनों क्या होता है, रिपेल करता है इच अदर को। तो चलते हैं अगला नाम पेज में, देखते हैं कि क्या है, फिगर दिखाया गया है। तो यहाँ पे देखिए कि क्या लिखा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे करंट का डायरेक्शन दिखा रहा है कि करंट, अगर करंट इधर जा रहा है तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की क्या डायरेक्शन होगा, इधर होगा, तो इसी से को लेंज ला कहते हैं। यहाँ पे देखिएगा पॉइंट दिया गया है, पॉइंट को पढ़ेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। यहाँ पे थ्योरी हम खुद पढ़े हैं, मैग्नेटिक पोटेंशियल बराबर फार्मूला जो होता है 1/4 पाई म्यू नोट म्यू आर m/d होता है, जूल पर वेबर में होता है। और यहाँ पे देखिए उसका यूनिट दिया गया होगा, इसमें स्टेट इनडायरेक्टली पर, आगे चलते हैं, इसका थ्योरी आगे है। देखिए यहाँ पे पॉइंट दिया गया है, पहला पॉइंट में करा द ग्रेटेस्ट करेंट थ्रू द कंडक्टर द स्ट्रॉन्ग द मैग्नेटिक फील्ड, जैसे ही ज़्यादा करेंट जाएगा, जितना ज़्यादा करेंट होगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड जो होगा मजबूत होगा। और दूसरा पॉइंट में कह रहा है द मैग्नेटिक फील्ड्स आर नियर कंडक्टर द स्ट्रॉन्गेस्ट बिकम्स वीकर देन द अवे फ्रॉम द मैग्नेट, जो होता है कि यहाँ पे देखिएगा जो कंडक्टर है इसके आसपास में जो होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, और जैसे ही दूर तक होता है उसका थोड़ा सा हेल्थ क्या होता है, कम हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, तो इसी को कहा गया। तीसरा में क्या कहता है कि द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स अराउंड द कंडक्टर विल बी आइदर क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज, दोनों हो सकता है, डिपेंड ऑफ द डायरेक्शन ऑफ करेंट, करेंट के डायरेक्शन पर डिपेंड करेगा कि किस तरह से जो है कि मैग्नेटिक ऑफ लाइन ऑफ लाइन बन रहा है। तो करंट देखिएगा इस तरह से चल रहा है तो क्या होगा, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, और अगर करंट का डायरेक्शन इधर रहता है तो क्या होता है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स उधर की होता है, तो ये डायरेक्शन थंब रूल के अनुसार से होता है। देखिएगा चौथा पॉइंट में क्या कह रहा है कि चौथा पॉइंट कह रहा है कि द शेप ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड अपॉन द शेप ऑफ द कंडक्टर, जो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कंडक्टर के शेप पर ही डिपेंड करता है, जैसा शेप होगा उस तरह का मैग्नेट जनरेट होगा। तो आगे चलते हैं कि आगे क्या बोल रहा है, देखते हैं डायरेक्शन को इसमें, देखते हैं कि डायरेक्शन क्या क्या है, यहाँ पे दिखाया गया है क्रॉस एंड डॉट नोटेशन, जब क्रॉस लिखा होगा तो क्या होगा और डॉट होगा तो क्या होगा, यहाँ पर दोनों को दिखाया गया है। तो देखिए यहाँ पर है कि जैसे अगर क्रॉस दिखाया गया है तो क्या होगा, करंट अंदर की ओर जा रहा है, डॉट दिखाया गया यानी कि करंट बाहर की ओर निकल रहा है, देखिए करंट का यहाँ डायरेक्शन दिया गया है, करंट बाहर निकल रहा है, तो यहाँ पर देखिएगा जब करंट इस तरह से जा रहा है तो क्या होगा, तो मैग्नेटिज्म जो लाइन ऑफ फोर्स इस तरह से होगा, और जैसे ही करंट जो है बाहर निकल रहा होगा तो क्या होगा, फील्ड इस तरह का होगा, तो इस तरह से डिपेंड करता है जो कि थंब रूल डिपेंड करता है। तो यहाँ पे सिर्फ यही दिखाना था कि क्रॉस लिखा रहेगा तो क्या होगा, डॉट रहेगा तो क्या होगा, क्रॉस में इंटर करता है करंट और डॉट में बाहर निकलता है करंट, तो यही दिखाया गया है थंब
थंब रूल के अनुसार दो दो को फिगर है। इसके बाद आगे देखिएगा, पॉइंट एक दिया गया है दूसरा में, सो द करेंट फ्लो इन द टुवर्ड्स द ऑब्जर्व द इंडिकेट द डॉट इज बेस्ड ऑन द पॉइंट एरे मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। यही कहता है कि डिपेंड करता है डॉट क्या दिखाता है। क्वेश्चन पॉइंट नंबर 7 में दिया गया है इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी ऑफ द मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म की इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी क्या क्या है उसको देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। तो यहाँ पे समझने के लिए बता दें कि आइए, मैग्नेटिक फ्लक्स किसको कहते हैं बताइएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। यहाँ पे नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है, तो यहाँ से जो जनरेट करता है, डॉटेड लाइन में दिखा देते हैं, यहाँ से इस तरह से जनरेट करता है। तो ये क्या हो गया, ये जो लाइन ऑफ दिखा रहे हैं, ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया जिसको फाई से डिनोट करते हैं, तो ये जो लाइन हो गया वो हो गया क्या, हो गया फ्लक्स हो गया। और ढेर सारा इसी तरह से अगर मिल जाता है बहुत सारा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा फ्लक्स मिलता है तो डेंसिटी हो जाता है। तो यहाँ पे यही दिखाया गया मैग्नेटिक फ्लक्स किसको कहते हैं। तो जैसे कि एक इलेक्ट्रिसिटी में करंट होता है, इलेक्ट्रिकल में करंट होता है जिसको आई से सूचित करते हैं, इसी तरह मैग्नेट में जो होता है कि फ्लक्स होता है, मैग्नेट में फ्लक्स होता है जिसको फाई से सूचित करते हैं। तो इसको समझने के लिए यही है, रिप्रेजेंटेशन ईच अदर रिपेल ईच अदर। देखिए डायरेक्शन क्या है कि मैग्नेटिक में सेम डायरेक्शन होता है, अपोजिट डायरेक्शन है ना। यहाँ जब पॉजिटिव क्रॉस है तो क्या है कि इधर है, और नेगेटिव है तो इधर है, तो क्या हो रहा है एक दूसरे से क्या होगा, रिपेल होगा। ये थोड़ा हम अपने पढ़ रहे थे उस टाइम लिखे हैं। तो आगे चलते हैं, सातवां पॉइंट हो गया, तो आठवां जो पॉइंट है उसको अगला में देखते हैं क्या क्या दिया गया है। बस रिवीजन इसमें देख रहे हैं, उसके बाद जो क्वेश्चन होगा उसमें मज़ा आएगा, पूरी तरह से थ्योरी समझ में आएगा। तो आप बकाइएगा नहीं, आगे जुड़े रहिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी अपडेट आए। तो यहाँ पर देखिएगा दिया गया है, एक पॉइंट दिया गया है फ्लक्स, तो अभी जान गए कि फ्लक्स किसको कहते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, वन वेबर जो होता है कि 10^8 लाइन को कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे अभी दिखा रहे थे कि यहाँ पे मैग्नेट है, यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है, तो यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से फ्लक्स निकलता है, यहाँ ढुकता है। जहाँ याद रखिएगा, नॉर्थ से बाहर की ओर जाता है और साउथ से जो आता है वो अंदर की ओर आता है, इस तरह से शॉर्ट से नॉर्थ अंदर की ओर आता है। तो फ्लक्स हो गया यहाँ से, अगर इस तरह से 10^8 है, 10^8 लाइंस हो गया, यानी इसको कह सकते हैं कि एक वेबर है, एक वेबर 10^8 लाइन अगर मिला दिए तो एक वेबर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए यही बोल रहा था कि वन वेबर बराबर क्या होता है, 10^8 लाइन या मैक्सवेल होता है। तो आगे चलते हैं, तो यहाँ पे एक अगला टेक्नोलॉजी है कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, जिसको बी से सूचित किया जाता है। तो अभी वही बता रहे थे कि जितना लाइन ऑफ फोर्स मिलेगा, तो 10^8 बराबर होता है कि एक वेबर होता है फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी वही होता है, फ्लक्स अपॉन एरिया। देखिए यहाँ पे एरिया सिर्फ जोड़ दिया है, एरिया अगर जोड़ दिया है तो इसको देखते हैं कि इस तरह से फ्लक्स जनरेट होता है। तो ये जो टोटल एरिया जो होगा, टोटल एरिया जो होगा वो होगा एरिया होगा। तो इस एरिया में फ्लक्स होगा, कितना फ्लक्स है, तो 10^8 है और इतना मीटर स्क्वायर में है, मतलब किसी निश्चित एरिया में जितना फ्लक्स होगा उसको मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कहेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का यही फार्मूला होता है, फाई अपॉन ए होता है, जिसको वेबर पर मीटर स्क्वायर यूनिट होता है। बहुत वी आई पॉइंट है जो कि हमेशा पूछते रहता है। आगे चलते हैं, और क्या बोल रहा है, ये पॉइंट दिया गया है वेबर या टेस्ला इसको कहते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को क्या कहते हैं, वेबर पर मीटर स्क्वायर या तो टेस्ला कहते हैं। और आगे कुछ तो इस तरह का नहीं दिया गया है। कह रहा है, इट इज द मच मोर इम्पॉर्टेंट दैन द टोटल अमाउंट ऑफ फ्लक्स। आगे पॉइंट दिया गया, वेन द प्लेन ऑफ द कॉइल इज परपेंडिकुलर टू द फ्लक्स डायरेक्शन, मैक्सिमम फ्लक्स विल बी थ्रू द कॉइल। कॉइल से क्या होगा, मैक्सिमम फ्लक्स जो होगा। कह रहा है, वेन द प्लेन ऑफ द कॉइल परपेंडिकुलर, जैसे कि मोटर में होता है,
जैसे फ्लक्स यहाँ से ऐसे निकल रहा है, तो एक और प्लेन डाल देते हैं, एक और मतलब कि ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ऐसे जनरेट करेगा, यहाँ से ऐसे जाएगा, तो ये क्या हो गया, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गया। तो ये होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लिंक करता है, क्या लिंक करता है मैग्नेटिज्म, जो फील्ड हो जाएगा मान लीजिए आर्मेचर हो गया, तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा लिंक कब करे, जब परपेंडिकुलर होता है। तो व्हेन द प्लेन ऑफ द परपेंडिकुलर फ्लक्स डायरेक्शन मैक्सिमम फ्लक्स विल बी पासिस थ्रू द कॉइल, कॉइल से क्या होता है मैक्सिमम फ्लक्स जो होता है कि पास करता है, मैक्सिमम फ्लक्स बराबर जो फार्मूला होता है फाई एम बराबर बी ए बेबर होता है, बी ए बेबर होता है। इसको में दूसरा पॉइंट दिया गया है, व्हेन द प्लेन ऑफ द कॉइल इज पैरेलल द फ्लक्स डायरेक्शन नो फ्लक्स विल बी पासिस थ्रू द कॉइल, दिस इज द मिनिमम फ्लक्स पोजिशन कहते हैं इसको। देखिएगा यहाँ पे फिगर में बनाया गया है, उसको देखते हैं। देखिएगा एरिया ए नॉर्मल बी है, एरिया जो है सो ए है, इसका एरिया ए है, और जो है कि बी जो हो गया है नॉर्मल है। तो यहाँ पर देखिएगा मैक्सिमम फ्लक्स कनेक्ट करेगा, और सी में क्या कह रहा है कि व्हेन व्हेन द प्लेन ऑफ द क्वाइल इंडिकेट द एंगल थीटा द फ्लक्स डायरेक्शन ऑफ देन द फ्लक्स थ्रू द क्वाइल इज ये होगा, तो क्या होगा फाइव बराबर बी एस साइन थीटा बेबर होता है, तो थीटा डिग्री पर होता है, तो थीटा से गुना कर देते हैं, साइन थीटा क्रॉस होता है, उतना ही फ्लक्स क्या होगा लिंक करेगा जो भी पर प्लेन और उसके बीच में होगा। तो यही सब बोल रहा था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, अब यहाँ पे एक और पॉइंट दिया गया है नोट में, थीटा इज द एंगल बिटवीन द प्लेन ऑफ द क्वाइल एंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड एंड प्लेन ऑफ द क्वाइल को जो होता है उसको कहते हैं, वेयर द एंगल ऑफ बिटवीन द नॉर्मल प्लेन एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज 90 माइनस थीटा होता है। तो आगे चलते हैं कि उसे पॉइंट नंबर 3 में लिखा गया है, पॉइंट नंबर 3 में मैग्नेटिक सर्किट, मैग्नेटिक सर्किट किसको कहते हैं, तो टेक्नोलॉजी अगला टेक्नोलॉजी क्या है, मैग्नेटिक सर्किट, मैग्नेटिक सर्किट क्या कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, जस्ट द क्लोज पाथ फॉलो बाय द इलेक्ट्रिकल सर्किट कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल सर्किट, जो कि इलेक्ट्रिकल सर्किट देखिए इस तरह से होता है, जैसे कि एक यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है और इस तरह से एक रेजिस्टेंस है, तो ये क्या हो गया इलेक्ट्रिकल सर्किट हो गया, तो इसी तरह से एक होता है मैग्नेटिक सर्किट। तो देन सिमिलर क्लोज पाथ फॉलोड बाय द मैग्नेटिक फ्लक्स आर कॉल्ड मैग्नेटिक सर्किट, तो इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड जो है, जैसे एग्जांपल में देखिए इस तरह से है नॉर्थ पोल, अगर साउथ पोल है और यहाँ से जनरेट हो रहा है, यहाँ से डॉटेड लाइन ऐसे, तो ये क्या हो गया, ये जो हो गया मैग्नेटिक सर्किट हो गया, मैग्नेटिक सर्किट इसको बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट देख लिए, उसके बाद मैग्नेटिक मैग्नेटो मोटिव फोर्स, मैग्नेटो मोटिव फोर्स क्या है इसको देखते हैं। तो मैग्नेटो मोटिव फोर्स में कह रहा है कि इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट इलेक्ट्रिक फोर्स ईएमएफ रिक्वायर्ड टू द प्रोडक्ट सर्किट करेंट फ्लो, दो जो कहता है इलेक्ट्रिक सर्किट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होता है ईएमएफ, वो रिक्वायर्ड करता है प्रोडक्ट ऑफ करंट, देन द इलेक्ट्रिक सर्किट एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ रिक्वायर्ड टू प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू द मैग्नेटिक क्रॉसपॉन्डिंग द इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स इज कॉल्ड द मैग्नेटोमोटिव फोर्स कहते हैं इसको। जैसे कि ईएमएफ होता है उसी तरह होता है एमएमएफ, ईएमएफ का मतलब जो वोल्टेज का एक पोटेंशियल होता है, जैसे कि एक जो पोटेंशियल है एक वोल्टेज, यहाँ 10 वोल्ट है यहाँ पे 5 वोल्ट है, तो क्या होगा इधर से इधर क्या होता है ये चार्ज होने लगता है, तो उसी तरह से एमएमएफ होता है मैग्नेटो मोटिव फोर्स, ये भी क्या है एक फोर्स है जो कि जनरेट होता है दो फोर्स के बीच में होता है। तो यहाँ पे देखिए पढ़ते हैं, द इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स रिक्वायर द प्रोडक्ट ऑफ द करेंट, करेंट के प्रोडक्ट को कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, एंड द मैग्नेटिक कंपेयर टू द इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स फोर्स होता है। देन फिगर शो किया गया 7.9 में शो द मैग्नेटिक सर्किट, मैग्नेटिक सर्किट किया गया है, इट फाउंड द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टर्न
इन द बाइंडिंग एंड द करंट फ्लो थ्रू द मेजर बाय द बिलो मच एक्सटेंशन अप्लाइड दिस मॉडर्न इज कॉल्ड क्या होता है मैग्नेटोमोटिव फोर्स MMF होता है। तो MMF बराबर होता है NI अपॉन L होता है नहीं देखिएगा EMF बराबर भी बराबर IR होता है जो IR होता है IR होता है उसी तरह MMF होता है MMF होता है वैसी तरह से होता है N हो गया। यहाँ पे गलत क्यों लिखते हैं हमें E बराबर जो होता है भी बराबर IR होता है क्या बोलेंगे यार IR होता है इसी तरह MMF में होता है कि जो फ्लक्स हो गया और N नंबर ऑफ टर्न हो गया तो इसी तरह से मैग्नेटोमोटिव फोर्स निकलता है। तो नीचे ये अलग दिया गया है जो करंट का डायरेक्शन दिखाया गया है वो पहले करंट ऊपर की ओर जा रहा है करंट का डायरेक्शन थेम है तो I1 I2 L अपॉन R हो जाता है। करंट इन द एयर इज 1 तो F बराबर 2×10⁷ गुना I1 I2 L अपॉन जो 2πr होता है। तो ये दूसरा चीज़ है चलते हैं अगला जो है पेज में उसको देखते हैं। अभी जुड़े रहिएगा इसी तरह से अभी थ्योरी को रिवीजन करके उसके बाद न्यूमेरिकल बनाएंगे तो उसमें बहुत चीज क्लियर होगा तो बकाइएगा नहीं और थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिएगा उससे फ़ायदा होगा कि आपको थोड़ा रिवीजन हो जाएगा और आपको थ्योरी समझने में मज़ा आएगा और समझ में भी आएगा। तो देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं देखिएगा MMF का फार्मूला दिया गया है NI होता है एम्पियर टर्न होता है तो MMF जैसे वोल्टेज होता है उसी तरह क्या होता है MMF होता है। क्या कह रहा है द ग्रेटेस्ट द MMF ग्रेटर द मैग्नेटिक सर्किट जितना MMF होगा उतना ही ग्रेटेस्ट सर्किट होगा ग्रेटर द मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक सर्किट वाइस वर्सा जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा होगा तो सर्किट भी मजबूत होगा। इसी तरह द मैग्नेटोमोटिव फोर्स लाइक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मैग्नेटोमोटिव फोर्स किसके तरह होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की बजाय EMF या EMF कहें जैसे जनरेट करता है जनरेटर उसी तरह MMF होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट एंड द फ्लक्स लिंक द इलेक्ट्रिकल करेंट द एनलॉगस इज लिबरेटेड किया गया है उससे एनलॉग किया गया है कि जैसा वो होता है इसी तरह से फिगर में देखिएगा ये इलेक्ट्रिकल सर्किट है तो मैग्नेटिकल सर्किट है। जैसे कि यहाँ पे IR लगा देते हैं तो यहाँ पर NI लगा देते हैं मैग्नेटोमोटिव फोर्स में। तो आगे चलते हैं जो कि पॉइंट दिया गया है टेक्नोलॉजी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जिसको H से सूचित करते हैं या तो फोर्स है ये क्या है फोर्स है जो कि इंटेंसिटी होता है इंटेंसिटी। देखिए क्या पढ़ने के थ्योरी थोड़ा सा समझेंगे कि इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है। तो इंटेंसिटी का मतलब कहें तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी द मैग्नेटोमोटिव फोर्स मैग्नेटोमोटिव फोर्स है पर यूनिट लेंथ पर जो मैग्नेटोमोटिव फोर्स लगता है उसको कहते हैं क्या बोलता है कि इट इज डिनोटेड बाई एच हैज द एम्पियर टर्न पर मीटर मीटर होता है एम्पियर टर्न पर मीटर होता है। तो मैग्नेटोमोटिव फोर्स जो होता है एच बराबर MMF अपॉन एल होता है या तो NI अपॉन एल होता है। तो जो फोर्स होता है मैग्नेटोमोटिव फोर्स और यूनिट लेंथ में जो कि मैग्नेटोमोटिव फोर्स लगता है उसी को कहते हैं इंटेंसिटी बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। तो फोर्स जो लगता है यूनिट लेंथ में देखिएगा इसमें फिगर में देखते हैं समझाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ये जो फोर्स NI लग रहा है इस एरिया में इतना एरिया में लग रहा है इतना ही एरिया में लग रहा है देखिए मीटर किसको दिखाते हैं जो कि यहाँ पे मान लीजिए कितना ही टर्न कॉइल है तो यहीं पर मैग्नेटोमोटिव फोर्स होगा तो NI तो यहाँ पर जनरेट हो रहा है और लेंथ यूनिट लेंथ है तो 1 ले लेते हैं तो स्ट्रेंथ क्या होगा इंटेंसिटी मात्र इतना ही दूर में है इंटेंसिटी क्या है इतना ही दूर में है इधर नहीं हो सकता है तो यही होता है NI अपॉन L होता है। तो आगे चलते हैं क्या लिखा है फार्मूला लिखा गया H बराबर MMF अपॉन L या NI अपॉन एम्पियर टर्न पर मीटर होता है इसका यूनिट होता है तो इससे डिनोट करते हैं पर यूनिट लेंथ पर होता है। तो आगे 8वां पॉइंट में कह रहा है द एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है
तो देखिएगा एब्सोल्यूट परमिटिविटी इसे म्यू नॉट से सूचित किया जाता है, रिलेटिव परमिटिविटी म्यू आर से सूचित किया जाता है। एब्सोल्यूट परमिटिविटी कहा जाए तो जो कि नॉर्मल जो होता है एब्सोल्यूट, जो कि हम लोग मान लिए जाते हैं एयर में हो गया, जो कि हो गया एयर जो हो गया नॉर्मल हो गया। देखिए पढ़ लेते हैं उसके बाद आपको समझाते हैं, थोड़ा सा अच्छा रहेगा, आपको ही समझ में ज़्यादा आएगा और हम भी बताएंगे अच्छे से। परमेबिलिटी ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल इज कंडक्टिविटी ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या है परमेबिलिटी जो है मैग्नेटिक फ्लक्स को कंडक्टिविटी, क्या कह रहा है तो परमेबिलिटी ऑफ द मटेरियल मीन्स कंडक्टिविटी ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स। परमेबिलिटी का मतलब यही समझ लीजिए कि मैग्नेटिक फ्लक्स को चलने में जो मदद करता है वो परमेबिलिटी होता है। कोई भी मान लीजिए कि कोई भी आयरन पीस है यहाँ पे और इसमें कॉइल किया गया है, यहाँ पे मान लीजिए कि ये क्या है, ये आयरन पीस है और यहाँ से क्या कर रहे हैं तो इस तरह से हम लोग कॉइल कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है फिगर नहीं मिलता, इस तरह से मैग्नेटिक का कॉइल बना रहे हैं इस तरह से। तो क्या बोल रहा था कि जो फ्लक्स जनरेट करता है, फ्लक्स जनरेट यहाँ से यहाँ ऐसे होगा, फ्लक्स जनरेट ऐसे होगा तो ये जो फ्लक्स को पाथ को चलने में जो मदद करता है उसको क्या बोलते हैं, उसी को परमेबिलिटी बोलते हैं। परमेबिलिटी जैसे फ्लक्स जनरेट हो रहा है तो ये एयर में जनरेट हो रहा है, ये क्या हो रहा है एयर में जनरेट हो रहा है, तो एयर से जो होता है परमेबिलिटी बहुत लो होता है एयर का, और सॉफ्ट आयरन जो होता है सॉफ्ट आयरन का परमेबिलिटी ज़्यादा होता है। तो इसलिए बोलते हैं जो कि जैसे करंट का कंडक्शन कंडक्टर में ज़्यादा होता है उसी तरह फ्लक्स का कंडक्शन जो होता है सॉफ्ट आयरन में ज़्यादा होता है। करंट का कंडक्शन जो होता है सिल्वर में बहुत ज़्यादा होता है, तो इसी तरह से सॉफ्ट आयरन जो होता है उसमें करंट का कंडक्शन फ्लक्स का कंडक्शन ज़्यादा होता है। तो एब्सोल्यूट परमेबिलिटी इसी को कहते हैं, परमेबिलिटी मतलब कि कंडक्टिविटी समझ लीजिए, इससे परमेबिलिटी जिसको बोलते हैं वो कंडक्टिविटी का एनालॉगस होता है। जैसे भी कंडक्टिविटी होता है उसी तरह से क्या होता है, उसी तरह से परमेबिलिटी होता है। तो परमेबिलिटी किस पर डिपेंड करता है, कंडक्टिविटी किस पर डिपेंड करता है, कंडक्टिविटी जो होता है वो मटेरियल पर डिपेंड करता है, मटेरियल पर डिपेंड करता है। तो ये भी किस पर डिपेंड करेगा, परमेबिलिटी किस पर डिपेंड करेगा, ये भी मटेरियल पर डिपेंड करेगा। जैसे सॉफ्ट आयरन हो जाता है तो ज़्यादा फ्लक्स इससे प्रवाहित होता है, और हार्ड हो जाता है, हार्ड स्टील का लेते हैं तो इसका फ्लक्स का कंडक्शन कम होता है लगभग। तो इसी तरह से होता है परमेबिलिटी, तो परमेबिलिटी समझ गए। तो परमेबिलिटी करंट का कंडक्शन भी क्या तरीका से होता है, करंट होता है कि एयर में भी फ्लो करता है, एयर में भी फ्लो कर जाता है और मटेरियल में भी होता है, या जो डबल वायर का यूज कर लेंगे जैसे यहाँ से यहाँ तक जो है सो कॉपर का हो गया, और आगे ले लिए यहाँ से यहाँ तक आगे दूसरा वायर ले लिए जो कि एल्युमिनियम का हो गया, इसको जोड़ करके भी चलाते हैं तो कंडक्शन होता है। तो इसी तरह से रिलेटिव परमिटिविटी निकालते हैं, म्यूर का मान होता है जो कि कुछ जो फ्लक्स होता है, कुछ फ्लक्स होता है कि एयर से प्रवाहित होता है, कुछ होता है कि मान लीजिए आयरन कोर से प्रवाहित होता है। तो दो मटेरियल होता है लेकिन दोनों से फ्लक्स जो होता है प्रवाहित होता ही है। तो रिलेटिव परमिटिविटी दो मीडियम के बीच में निकालते हैं, जैसे कि जो रिलेटिव कंडक्टिविटी निकालते हैं जो दो मटेरियल के बीच से निकालते हैं, तो इसी तरह से इसको भी निकालते हैं। तो आगे चलते हैं कि क्या है। तो यहाँ पे कह रहा था परमिटिविटी, द ग्रेटर द परमेबिलिटी मटेरियल द ग्रेटर द कंडक्टिविटी ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स वाइस वर्सा, एयर और वैक्यूम इज द पुअरेस्ट कंडक्टिंग ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या होता है, पुअर कंडक्शन करता है, कौन, एयर और वैक्यूम। एयर और वैक्यूम क्या होता है, पुअर कंडक्शन करता है, तो इसी तरह से होता है। और एयर का वैक्यूम का जो होता है, जो होता है कंडक्टिव परमेबिलिटी जो होता है हेनरी पर मीटर जो होता है, जो कि 4.10^-7 होता है। परमेबिलिटी कितना होता है एयर या वैक्यूम का,
फोर गुना 10^-7 होता है। द एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द म्यू आर मैग्नेटिक मटेरियल इज मच ग्रेटर देन म्यू नोट। जो म्यू आर होता है, म्यू जो होता है वो म्यू नोट से ग्रेटर देन होता है। म्यू नोट कहने का मतलब कि एयर हो जाता है या वैक्यूम होता है, तो ये हो गया। और म्यू का मान हो गया कि कोई मटेरियल का नाम लेकर के चल रहे हैं, जैसे कि सॉफ्ट आयरन हो गया, आयरन हो गया, तो म्यू का मान ज़्यादा होता है। तो इसी को म्यू जो हो गया किसी आयरन पार्ट का या तो एयर का, दोनों का डिवीजन करते हैं तो एब्सोल्यूट रिलेटिव परमिटिविटी निकलता है। यानी कि वैक्यूम और या एयर को लेकर के चलते हैं, और एक मीडियम होता है वो क्या होता है, आयरन मटेरियल होता है, तो दोनों का क्या होता है, डिवीजन होता है। देखिए यहाँ पे म्यूर होता है कि क्या होता है, मटेरियल का परमेबिलिटी और एयर का परमेबिलिटी, इसे रिलेटिव परमिटिविटी निकालते हैं। आगे चलते हैं इसमें और क्या बोल रहा है। तो यही था 2-3 पॉइंट, रिलेटिव परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी और एक परमिटिविटी। तो यहाँ पर देखिए कुछ पॉइंट लिखा गया है। रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, एयर या वैक्यूम बोल्ड बिड म्यू नोट और म्यू नोट डिवाइडेड बाय एक, मतलब कि ऑब्वियसली रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम और जो एयर का होगा वन हो जाएगा। मतलब एयर का डिवाइड करेंगे वैक्यूम से तो डिवाइड कट जाएगा तो वन होगा, मतलब कि एयर और वैक्यूम का जब लेंगे तो क्या हो जाएगा, रिलेटिव परमिटिविटी वन ही हो जाता है, ऑल्सो वन ही होता है। रिलेटिव परमिटिविटी द मैग्नेटिक मटेरियल इज वेरी हाई, क्या हो रहा है कि कह रहा है रिलेटिव परमिटिविटी द मैग्नेटिक मटेरियल का, मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, वेरी हाई। फॉर एग्जांपल सॉफ्ट आयरन, सॉफ्ट आयरन का क्या होता है, परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी बहुत ज़्यादा होता है, दैट इज प्योर आयरन को कहते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी 8000 के आसपास होता है। प्योर आयरन जो होता है उसका परमिटिविटी कितना होता है, 8000 के आसपास होता है। वेयर इट इज द वैल्यू ऑफ प्री एलॉय मतलब मिला के बनाते हैं उसको, में क्या होता है कि एलॉय बनाते हैं 22% आयरन और 78% निकेल बनाते हैं, तो एन एलॉय बनता है जिसको क्या कहते हैं, हाई होता है। इसका परमिटिविटी लगभग 50000 के आसपास होता है, मतलब कि एलॉय किसका, आयरन और निकेल को मिला देते हैं तो इसका परमिटिविटी 50000 के आसपास हो जाता है। तो देखिए अगला जो पॉइंट है इसमें क्या कह रहा है, ये कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी का कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या है। द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मटेरियल इज मेजर ऑफ द रिलेटिव इच विद द मटेरियल कंडक्टिंग फ्लक्स कंपेयर टू द कंडक्शन ऑफ द फ्लक्स एयर। इलस्ट्रेट द कॉन्सेप्ट ऑफ द रिलेटिव परमिटिविटी मैग्नेटिक फ्लक्स। तो रिलेटिव परमिटिविटी बताए थी यही है कि म्यू, देखिए यहाँ पे दिखाया गया था अभी कि यहाँ पे देखिए जो कि रिलेटिव परमिटिविटी कैसे निकलता है, तो कोई भी मटेरियल का ले लेते हैं सॉफ्ट आयरन का और जो एयर या वैक्यूम का रहता है उसको डिवाइड करके रिलेटिव परमिटिविटी निकालते हैं। तो कॉन्सेप्ट वही है, मिला जुला कर, अलग कुछ नहीं। तो चलते हैं अगला पेज में क्या बोल रहे हैं। एक और पेज था क्या इसमें, तो इसको थोड़ा सा निकाल के देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं। यह भी हम लोग पढ़ चुके हैं, आगे चलते हैं इसमें। तो यहाँ पे देखिएगा जो कि थ्योरी दिया गया है किसका, मॉलिक्यूलर थ्योरी बोल रहा है, मॉलिक्यूलर थ्योरी पढ़ना है तो मटेरियल दिया गया है। चलिए स्टूडेंट अभी इतना लंबा हो चुका है, तो फिर मिलेंगे अगला वीडियो में, ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए आगे चलते हैं इसमें और इसको यहीं पे रहने देते हैं। फिर मिलते हैं आगे अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग क्या करेंगे कि थोड़ा सा थ्योरी बचा हुआ है उसको भी सॉल्यूशन करेंगे और बाकी फिर न्यूमेरिकल जो है, न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हुए इस चैप्टर को
चैप्टर को ख़त्म कर देंगे और आगे बढ़ेंगे, फिर अगला जो चैप्टर है उसमें चलेंगे। तो यही है लोगो जो हमारा चल रहा है कि लास्ट पावर ग्रिड 2023 आपकी बार जो मैराथन एग्ज़ाम तक जो चल रहा है उसको शुरुआत करते हैं, आपकी बार अंतिम प्रहार के साथ पावर ग्रिड को ख़त्म करते हैं। कोई भी संपर्क करना हो तो यहाँ पर जुड़ जाइएगा, और नए स्टूडेंट होंगे, इसमें कुछ लिखाता ही नहीं फ्रेंड, क्या बताएं। इसमें जो है न्यू स्टूडेंट होंगे, नए स्टूडेंट होंगे, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और दोस्तों से शेयर कीजिएगा, थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए। आप सबके लिए ही तैयारी चल रहा है, तो धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।